नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों अभी 10 बज रहा है आज, यानी 7 नवंबर को मैच देख रहा था रोहित शर्मा की बैटिंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कल निफ्टी कैसी बैटिंग करेगा, बैंक निफ्टी की बैटिंग क्या रहेगी, शेयर मार्केट में क्या बैटिंग चलेगी, तो आज डिस्कस करते हैं। उसके पहले दोस्तों कल का वीडियो अगर आपने देखा था, जो मैंने आपको जिस तरह से बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी 12,000 के ऊपर जा सकता है, प्लस टेलीग्राम चैनल में भी मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी हो सकता है क्लोजिंग आज 12,000 के ऊपर देगा, वही रहा। प्लस बैंक निफ्टी का मैंने आपसे बोला था कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली उतना आपको अपसाइड में मूव नहीं देगा, हो सकता है डाउन ही रहे। तो अगर आज आप पूरे दिन की परफॉर्मेंस देखोगे बैंक निफ्टी की, तो आज उतना अच्छा नहीं चल रहा है काफी। अगर क्लोजिंग भी दिए तो आई थिंक 60-70 पॉइंट अप करके इसने क्लोजिंग दी है। लेट्स चेक। जी हाँ, इसकी जो क्लोजिंग है आज की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है बैंक निफ्टी की, कंपेरेटिवली निफ्टी की ज़्यादा सही रही है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कल निफ्टी किधर जाएगा, बैंक निफ्टी कल किधर जाएगा। तो उसके पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो अपडेटेड वीडियो है, डेली एनालिसिस है, वो मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स अपडेट और बैंक निफ्टी निफ्टी का अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं आज का। दोस्तों अगर आप लोग देखोगे निफ्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, 12,000 के ऊपर है नो डाउट, ठीक है। ये एक जो रेजिस्टेंस था इसका ऑलमोस्ट 11,971 का या 70 का, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। मगर अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे जितनी बार निफ्टी मतलब इस रेंज में आया, ऑलमोस्ट 12,000 के ऊपर आया, इसमें एक सेलिंग दिखी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे सेलिंग करता रहा है, तो यहाँ पे एक ये हैंगिंग मैन की जो ये कैंडल बनी हुई है, बियरिश हैंगिंग मैन है। तो चांसेस हैं दोस्तों कल, यानी कि आज तो देखिए एक्सपायरी था, एक्सपायरी में तो आप बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नहीं पता कर सकते हो निफ्टी का, लेकिन कल है इस कल जो है कल इसका एक क्लियर ट्रेंड पता चलेगा। अब अगर निफ्टी कल ये जो कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड करता है, यानी कि 12,020 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो कल निफ्टी आपको ऊपर की तरफ 12,048 यानी 12,048 और 12,100 तक का, यानी कि आपको 60-70 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आराम से मिल सकता है, अगर निफ्टी इफ निफ्टी ट्रेड्स अबव 12,020, ठीक है। नीचे की बात करें अगर दोस्तों, तो देखिए ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, यानी कि 11,972-78 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है थोड़ा, आई मीन 40 मिनट्स और यू कैन से 1 आवर, तो उसके बाद में फिर ये नीचे का एक मूवमेंट पॉसिबल है, जो कि आपको ऑलमोस्ट फिर 11,920, 11,928 यानी 11,928 तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं आप यहां से देख सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो दो लिए हैं मैंने। पहला जो इसका सपोर्ट होगा नीचे अगर गिरता है तो 11,972, दूसरा अगर इसका जो एक रेजिस्टेंस है सॉरी सपोर्ट है वो 11,925 का। रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ऊपर की तरफ 12,048 और फिर 12,104 यानी 12,048 एंड 12,100 यू कैन से ये हमारे रेजिस्टेंस रहेगा। पिछली बार का निफ्टी का जो अभी तक का हाई है वो भी दोस्तों 12,103 या 4 का ही है, ठीक है। 12,103 और 4, दिस इज द मैक्स ऑफ निफ्टी। तो अगर ये लेट्स सी मे बी नेक्स्ट वीक ये ब्रेक होता है कि नहीं होता है इसको देखना है, लेकिन कल जो देखे अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी 12,048 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा कन्विंस रहेंगे कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी एक न्यू हाई बना सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए अगेन यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी अगर आप इसको देखोगे, यानी कि 30,780 यानी 30,780 का जो ट्रेंड लाइन था, इसको आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक जरूर किया है, लेकिन कंसोलिडेट उसी के नीचे किया है, यानी ऑलमोस्ट 30,650 के आसपास में इसने कंसोलिडेट किया है। क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट 30,650 आई है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में उतना पॉजिटिव वाइब्स मुझे नहीं दिख रहा है, इतना पॉजिटिव
पॉजिटिवनेस नहीं आ रहा है कि निफ्टी 30,000 यानी 31,000 का लेवल पकड़ेगा। मगर अब दोस्तों जो मेन ट्रेडिंग होगी कल होगी, कल देखना है कि बैंक निफ्टी किधर जाता है। अगर कल बैंक निफ्टी 30,780 के ऊपर ट्रेड करे, 30,780 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो फिर पॉसिबल है कि कल आपको 31,000 देखने को मिल सकता है, 31,000 मिल सकता है देखने को। अगर नीचे की बात करें दोस्तों, तो जो आज का लो है यानी कि 30,460 के नीचे अगर रहे बैंक निफ्टी, तो फिर आपको पॉसिबल है 30,260 और उसके यानी 30,260 एंड देन 30,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के दोस्तों मैं आपको लेवल शो कर देता हूं, आप देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट इज 30,348, देन 30,000, देन 29,745। ऊपर की बात करें तो 30,830 यानी 30,830, देन 31,000। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। साथ में चलिए एक बार ऑप्शन डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो निफ्टी का अगर आप देखोगे मंथली ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, ये यहाँ पर देखिए कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि जो पहले से कॉल राइटिंग थी वो हटाई गई है यहाँ से और उसको फिर शिफ्ट किया गया है 12,100 यानी 12,100 के लेवल पे। तो ओवरऑल जो देखिए एक रेजिस्टेंस अब बन रहा है, वो बन रहा है 12,100 पर, ठीक है। इधर से आप अगर पुट राइटिंग देखोगे तो थोड़ा आज यहाँ पे अच्छी खासी 28,000 की दिखी है 12,100 के लेवल पर। तो कहीं ना कहीं 12,100 पॉसिबल है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक चीज और, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में जा करके सर्च कर सकते हैं एनआरजे फाइनेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मैं स्टॉक्स का अपडेट देता रहूंगा, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, साथ में ऑप्शंस कॉल भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग। उसके साथ में एक चीज और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आपके किसी भी स्टॉक से निफ्टी 50 रिलेटेड अगर स्टॉक है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।